अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने रोल नंबर स्लिप फेयर टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट से किस तरह डाउनलोड कर सकते। सबसे पहले हम फेयर टेस्टिंग सर्विस के वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नोटिफिकेशन भी आ रही है जिसके मुताबिक ENSE जो हमारे पास KP की एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनके लिए जो सीट्स आई थी उनका टेस्ट जो हो रहा है उनके लिए रोल नंबर स्लिप्स अपलोड हो गए हैं। यहाँ पे क्लिक करके या अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे हमारे पास डिटेल में आ रहा है कि किस किस चीज़ के रोल नंबर स्लिप हमारे पास अवेलेबल है। जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के मुताबिक हमारे पास रोल नंबर स्लिप जो है थियोलॉजी फिजिकल एजुकेशन टीचर PET SST बायोकेमिस्ट्री SST मैथ्स फिजिक्स SST IT कारी SST जनरल एंड ड्राइंग मास्टर के रोल नंबर स्लिप जो है वो अपलोड हो चुके हैं। और इसके अलावा जितने पोस्ट हैं उनके लिए जो हमारे पास जगह अनाउंस होगी जैसे कि PST वगैरह होगी या CT की सीट पोस्ट है तो उनके लिए 26 अगस्त के बाद अनाउंस होगी। बस दो लिंक्स गिवन है, एक फर्स्ट बता रहा है हमारे पास कि हम किस तरह नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए थी सकते हैं कि ये हमें बता रहा है कि इस लिंक को क्लिक करके हम किस किस चीज़ की फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास पहली चीज़ जो है वो थियोलॉजी टीचर या TT है, सेकंड हमारे पास फिजिकल एजुकेशन टीचर या PET है, दूसरी हमारे पास SST बायोकेमिस्ट्री एंड SST मैथ्स फिजिक्स। इसी तरह अगर आपने इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप यहां से क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपने SST IT कारी या SST जनरल एंड ड्राइंग मास्टर के लिए किया है अप्लाई तो आप यहां से क्लिक करेंगे। हम सबसे पहले जाते हैं और यहां पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास दो ब्लॉक्स बने हुए हैं, एक हमारा कैप्चा कोड है और दूसरा हमारा CNIC नंबर मांग रहा है। यहाँ पर हम अपना CNIC नंबर देंगे और CNIC नंबर देने के बाद हम अपना कैप्चा कोड देंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके बाद इसको सर्च करेंगे तो हमारे पास रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगे। जब हम अपना CNIC नंबर इंटर करते हैं आप अपना CNIC नंबर इंटर करें और अब इसको सर्च कर लें। टेस्ट किस चीज़ के लिए हो रहा है, रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम कौन सा है, पेपर स्टार्ट टाइम हमारे पास क्या है और हमारे पास सेंटर कोड और टेस्ट सेंटर जो हमारे पास है वो यहाँ पे हमारे पास गिवन है। इसके अलावा इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें रिक्वायर्ड है टेस्ट डे पे जाने के लिए, टेस्ट डे पे जाने के लिए आप अपना रोल नंबर स्लिप अपने साथ ज़रूर लेके जाएंगे और रोल नंबर स्लिप के साथ अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या CNIC जो आपका है वो आप अपने साथ ज़रूर लेके जाएंगे। उसके बगैर आपको एग्जामिनेशन हॉल में इंटर नहीं करने दिया जाएगा। फॉर्म भी जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है। अगर किसी का CNIC गुम चुका है तो उन्होंने लाजमी पुलिस में FIR दर्ज करवाई होगी या नादक कोई टोकन होगा उनके पास, वो अपने साथ ले जाना मत भूलें। और इसके अलावा टेस्ट पर्सन के अलावा कोई भी बंदा टेस्ट सेंटर्स में अलाउ नहीं हो। नंबर पॉइंट कह रहा है कि आप अपने साथ अपना क्लिप बोर्ड और बाल पेन ज़रूर लेके जाइएगा। मोबाइल फ़ोन कैलकुलेटर किसी किस्म का डिवाइस अलाउ नहीं है और जैसे कि आपको पता है एनी वेपन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। अच्छा, ये तो हो गई कुछ एग्जामिनेशन के लिहाज से बातें और हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे अब इस फॉर्म को, ये तो हमारा रोल फॉर्म को प्रिंट करना है तो इसके लिए हम क्लिक कहाँ करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास प्रिंटेबल फॉर्म में आ जाएगा। इसे आप सेव कर सकते हैं USB में डाल के आप इसको किसी भी प्रिंट वाले के पास ले जाए आपको आपका फॉर्म। को हमारा आज का ट्यूटोरियल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। और अगर आप थैंक यू सो मच।